कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा दिल्ली में नेशनल ट्रेड समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस नेशनल ट्रेड समिट 2024 में देश भर से 400 के आसपास बिजनेसमैन ने भाग लिया। ये नेशनल ट्रेड समिट 2 दिनों तक चलेगा। इस ट्रेड समिट में कई सेशन चलेंगे जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेड किस तरीके से किया जा सकता है और बिजनेस को और आसान किस तरीके से किया जा सकता है और ट्रेड को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस समिट के बारे में जानकारी दी। देखिए, देश में व्यापार करने का तौर तरीका बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। देश में लगभग 9 करोड़ व्यापारी हैं जो लगभग 140 लाख करोड़ का सालाना व्यापार करते हैं। अभी तक वो पुराने तरीके से व्यापार कर रहे थे, उसके बावजूद भी व्यापारियों ने देश में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब व्यापारियों को भी अपने व्यापार में और व्यापार करने के तौर तरीके बदलने होंगे, एक नए तरीके से काम करना होगा। और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज और कल यानी 28 और 29 सितंबर को देश के लगभग 350 प्रमुख व्यापारी नेताओं का ये समिट आयोजित किया है। इस समिट में अलग अलग सेशंस में हमने अलग अलग पैनल बनाए हैं जो जिसमें विशेषज्ञ होंगे, और वो सारे विशेषज्ञ हर पैनल से संबंधित जो विषय है उस पर अपनी बात कहेंगे, व्यापारियों को ये जानकारी देंगे कि क्यों ये सब कुछ ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को अपना करके वो किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन व्यापार को लेकर भी इसमें तवज्जो दी जाएगी? निश्चित रूप से ऑनलाइन व्यापार व्यापार का ही एक हिस्सा है और कंज्यूमर्स की चॉइस के हिसाब से हमें ऑनलाइन व्यापार यदि करना होगा तो व्यापारी जरूर करेंगे। उस पर भी एक सत्र में हमने उस पर व्यापक चर्चा रखी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।